Hi, this is Sushil from Creative Mind International Public School. Today, I am going to discuss about formatting tables. Formatting tables, how to format tables. So this is our topic is formatting tables. Formatting tables. So this is our topic. Formatting tables in MS Word. Tables in MS Word. How can we format tables in MS Word? So basically in formatting tables in MS Word, we have to discuss about three different topics. First one is formatting of text inside the tables. Second one is applying borders. Third is applying shadings. And one more point is applying table styles. So these are the four topics that I will discuss in formatting tables in MS Word. So first one is formatting of text inside the table. So this topic is first topic. So practically ab hum log dekhenge how can we format the text inside the tables in MS Word. So MS Word main open kar raha hu. So this one is one MS Word. Okay, now suppose this one is one table. So just wait, one table I am creating, number of column is 4, number of row is also suppose 5. Now click on okay. This one is name field, this one is father's name field, this one is suppose class, this one is admission number. Now here name is suppose Astha Rani. Father's name is suppose the first student name is Astha Rani, second one is Smriti Priya. Next one is Pratham Priya. Next one is Saurav Yadav. Father's name is suppose Astharani is AKP. Smriti is SKP. SMP. This one is PMP. And this father's name is Saxena Bhardwaj. Now class is suppose 76578. Admission number is suppose 111, 222 and this. So this is one table. Now in this table I want to apply formatting of text. Text karne ka matlab kya hai? ये क्या है text है? ये सारा जो भी डेटा दिख रहा है ना सेल के अंदर वो उसी को बोलते हैं टेक्स्ट. फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट इनसाइड द टेबल. टेबल के अंदर ये क्या हुआ है? दिस वन इज टेबल कंप्लीटली. और ये जो सेल के अंदर जो डेटा रहता है ना उसको ही बोलते हैं टेक्स्ट. सो फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट मीन्स ये हमारे पास टेक्स्ट है, अब इसको फॉर्मेट करना है. तो कैसे फॉर्मेट करते हैं? अब फॉर्मेटिंग के लिए हम लोग होम टैब में फॉन्ट ग्रुप है. ये क्या है? फॉन्ट ग्रुप है. तो फॉर्मेटिंग के लिए हम लोग फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट के लिए जो भी टेक्स्ट है उसको फॉर्मेट करने के लिए हम लोग फॉन्ट ग्रुप जो है ना फॉन्ट ग्रुप और पैराग्राफ का हम लोग बेसिकली फॉर्मेटिंग के लिए हम लोग फॉन्ट ही क्या यूज करते हैं और अलाइनमेंट के लिए इधर यहाँ पे यूज करेंगे. सो सी हियर. सो दिस वन इज आई वॉन्ट टू मेक दिस नेम इन बोल्ड. सो सी हियर दिस वन इज इफ यू क्लिक वन टाइम सो इट बिकम्स बोल्ड और फिर से क्लिक कर देंगे तो वापस से नॉर्मल हो जाएगा.
सी ये नॉर्मल हो गया, अगर इसको सेलेक्ट किए और फिर से क्लिक कर दिए तो ये बोल्ड हो गया। अब मान लीजिए इसको सेलेक्ट किए, क्लिक किए, यहाँ पे बी, बी मतलब बोल्ड, तो बोल्ड हो गया, फिर से वापस क्लिक कर दिया तो ये बोल्ड हट गया, ठीक है ना। अब इसको क्लिक किया बी तो ये बोल्ड हो गया। अब देखिए हमारे पास क्लास है, इसको सेलेक्ट किए, अब बोल्ड के बगल में ये क्या आई है, मतलब इटैलिक करना है। ये देखिए आप लेटर भी देख रहे हैं, बी जो है बोल्ड के लिए इटैलिक के लिए आई है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये इटैलिक हो जाएगा, झुका हुआ। इन दोनों में क्या अंतर है, ये झुका हुआ और ये नहीं झुका हुआ। अब फिर से इसको सेलेक्ट कीजिए और एक बार इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो वापस नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो इटैलिक करना है, झुका हुआ तो इस पर क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट किए और इटैलिक। तो इटैलिक इसलिए यूज होता है, बोल्ड और इटैलिक इसलिए यूज होता है, पता चल गया होगा आप लोगों को। नाउ यहाँ पे देखिए यू है, यू मीन्स अंडरलाइन। अब मान लीजिए हमको ये नेम जो है उसको अंडरलाइन करना है, तो जस्ट इसको क्लिक करेंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा सी, और फिर से क्लिक कर देंगे तो ये अंडरलाइन वापस चला जाएगा। अब देखिए हमको ये फादर्स नेम में इसको नेम को अंडरलाइन करना है, तो इसमें क्या है यू जो दिख रहा है इसके बगल में एक एरो डाउनवर्ड एरो दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। अब हमारे पास अंडरलाइन का बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है, जिस तरह का आप अंडरलाइन करना चाहते हैं, डबल अंडरलाइन, तो इसको सेलेक्ट किए तो देखिए डबल अंडरलाइन हो गया। इसको फिर से सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो अंडरलाइन हट जाएगा, ठीक है ना। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे यू के बगल में गए और सेलेक्ट कर लिए इस तरह के अंडरलाइन, ने फादर से हमको सेलेक्ट किया और अंडरलाइन करना, तो इसको गए यू के पास जो यू है और हमको इस तरह का स्टाइल चाहिए, तो इस तरह से अंडरलाइन कर दिए। क्लास को सेलेक्ट किए और हमको अंडरलाइन कुछ इस तरह से चाहिए, डॉटेड, तो डॉटेड कर दिए। एडमिशन नंबर के लिए अंडरलाइन कुछ इस तरह से चाहिए, तो गए यहाँ पर कुछ इस तरह का, तो इस तरह का, तो अंडरलाइन। तो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन क्या होता है मैं बता दिया। अब सी यार यहाँ पर हमारे पास आस्था रानी है, इसको हमको अगर बड़ा छोटा करना है इसके साइज को, तो यहाँ से देखिए इंक्रीज होता है ऐसे, अगर कम करना छोटा करना साइज तो यहाँ से छोटा होगा। ये इंक्रीज करने के लिए, टेक्स्ट के साइज को बढ़ाने के लिए है ये, और यहाँ से कम करने के लिए। यहाँ से भी सेम चीज इंक्रीज और डिक्रीज यहाँ से भी कर सकते हैं, सी ये अगर कम करना है तो ऐसे हो गया। सो आइदर विद दिस और दिस, और हमारे पास तो इसको मैं बढ़ा दिया, ठीक है। अब देखिए 12th कर दिया। नाउ सी यार अब इस वाले सेल को सेलेक्ट किए और देखिए यहाँ पे ये फॉन्ट फैमिली है, ये इसको बोलते हैं फॉन्ट, इसको बोलते हैं फॉन्ट। तो अगर हमको फॉन्ट अप्लाई करना है, जिस तरह का फॉन्ट आपको चाहिए यहाँ पर सेलेक्ट करते जाइए, देखिए आपका जो सेल्स जो है उसमें टेक्स्ट है वो चेंजेज आप दिख रहा है, जो आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं। यहाँ से एरो बैक डाउनवर्ड एरो क्लिक कीजिएगा तो आप जो भी फॉन्ट फैमिली आपको सेलेक्ट करना है देखिए वो होते जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे मोर ऑप्शन है, इसको क्लिक करते जाइए, जो भी आपको पसंद है यहाँ से आपको पता है तो डायरेक्ट, जैसे हम तहोमा टाइप किए, ठीक है ना। अब देखिए तहोमा किए तो ये हो गया इस टाइप से, तो जो आपको पसंद है जिस तरह से, इस तरह का अगर चाहिए तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये फॉन्ट यहाँ से अप्लाई करते हैं जिस, ठीक है ना। तो मैंने बोल्ड बता दिया किस लिए यूज होता है, इटैलिक अंडरलाइन फॉन्ट, और ये इंक्रीज और डिक्रीज करना है टेक्स्ट का साइज, ठीक है। अब मान लीजिए कलर अप्लाई करना है, कलर ये जो टेक्स्ट है उसका, उसके लिए हमको कलर कुछ अप्लाई करना है, तो यहाँ पे देखिए ये कलर है फॉन्ट कलर, फॉन्ट कलर इसमें गए और जो भी आपको कलर अप्लाई करना है टेक्स्ट के लिए वो कलर आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, दिख रहा है ना। तो मैंने रेड अप्लाई किया तो यहाँ पे ये फॉन्ट कलर हो गया। अब जैसे हम फॉन्ट जो टेक्स्ट है उसके लिए फॉन्ट, तो मैंने रेड कलर अप्लाई किया, इसको बोलते हैं फॉन्ट कलर। अब यहाँ पे एक और बगल देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। तो जो भी हमारा टेक्स्ट है उसका बैकग्राउंड का कलर जो होगा ना, देखिए जो अप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा बैकग्राउंड कलर। मैंने इसका क्या होगा ब्लू कर दिया, तो टेक्स्ट ये जो है एसएमपी, उसका जितने दूर तक एसएमपी है उतना ही दूर तक ये अप्लाई हुआ, ठीक है ना। टेक्स्ट कलर है इसको, टेक्स्ट कलर इसको बोलते हैं, इसको फॉन्ट कलर बोलते हैं, इसको फॉन्ट कलर है, इसको टेक्स्ट कलर है। तो फॉन्ट मतलब
हमारे पास टेक्स्ट है उसका कलर। अब टेक्स्ट कलर का मतलब जो फॉन्ट है, जो टेक्स्ट है उसके बैकग्राउंड कलर के बारे में, पीछे वाले कलर को जो बोलते हैं, टेक्स्ट के पीछे जो कलर है उसको यहां से अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। यहां से देखिए सेलेक्ट किए, ये होगा ना नो कलर। अगर कलर नहीं अप्लाई करना है तो यहां से नो कलर कर सकते हैं। ना सो दिस वन इज मैं सी यर फॉन्ट कलर एंड टेक्स्ट कलर, यहां पे गए टेक्स्ट कलर। तो फॉन्ट कलर में बता दिया, टेक्स्ट कलर जैसे मान लीजिए डबल टू का मैं फॉन्ट कलर कुछ ये लगा अप्लाई करना चाहता हूं लाइक दिस, एंड बैकग्राउंड कलर ये फॉन्ट कलर अप्लाई, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे जो टेक्स्ट जितने देर तक है उसका बैकग्राउंड कलर मैं रेड कर रहा हूं, ठीक है ना। और फॉन्ट कलर मैं चेंज करके ग्रीन कर दिया, कुछ इस तरह का कर दिया। तो सी यार अब ये हमारे पास बैकग्राउंड कलर रेड है और फॉन्ट कलर सी यार चेंज कर रहा हूं अभी, तो फॉन्ट कलर अभी उतना पता नहीं चल रहा है। अब ये देखिए इसका फॉन्ट कलर मैं चेंज कर रहा हूँ, सेलेक्ट किया फॉन्ट कलर, यहाँ से जो भी कलर आपको पसंद है अप्लाई कर दिया ये फॉन्ट कलर। और फॉन्ट के बैकग्राउंड में भी कलर अप्लाई करना है तो यहाँ से जो भी कलर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। कर दिया, तो ये मैंने आपको अब ये बता दिया, फॉन्ट फैमिली बता दिया, ये फॉन्ट जो लिखा हुआ आ रहा है उसको फॉन्ट फैमिली भी बोलते हैं, फॉन्ट फैमिली बता दिया, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ये सब बता दिया। अब देखिए हमारे पास ये स्ट्राइक करके, मान लीजिए अगर अब मेरा रिक्वायरमेंट है कि मैं ऐसा कुछ लिखना चाहता हूँ स्मृति और क्लिक किया इसमें तो स्ट्राइक आएगा, ठीक है ना। जिसको भी सेलेक्ट करके इस पर क्लिक करेंगे तो स्ट्राइक आएगा, ठीक है। और जैसे स्मृति प्रिया में स्ट्राइक है उसको हटाना है, सेलेक्ट किया इस पर फिर से क्लिक कर दिया हट जाएगा, तो ये हो गया। अब देखिए सारा यहाँ पर अगर देखिएगा तो नेम में आस्था रानी स्मृति प्रिया जितने भी फील्ड में है सारा का सारा कैपिटल है। अब मैं चाहता हूँ सारा का सारा स्मॉल करना, तो अब देखिए हमारे पास ये ऑप्शन है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लोअर केस क्लिक करेंगे, सारा का सारा लोअर केस हो गया। और सारा का कैपिटल करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे और इसमें अपर केस पे क्लिक कर देंगे तो अपर केस हो जाएगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूं इसको सारा अपर हो गया, अब मैं चाहता हूं कैपिटलाइज ईच वर्ड, सारे जो भी वर्ड है उसके फर्स्ट लेटर जो होगा फर्स्ट जो होगा कैपिटल होगा। सी आस्था का ए कैपिटल होगा, रानी का आर कैपिटल होगा और बाकी सारा स्मॉल होगा। स्मृति प्रिया में एस कैपिटल और पी कैपिटल हो गया, बाकी स्मॉल ही है। सो यहाँ से हम लोग केस इसको बोलते हैं, अपर केस लोअर केस और कैपिटलाइज्ड फर्स्ट, अपर केस लोअर केस, लोअर केस अपर केस कैपिटलाइज्ड, ठीक है ना। तो ये बेसिकली तीन यूज करते हैं हम लोग। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फॉन्ट, दैट इज फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इनसाइड टेबल, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इनसाइड टेबल, ठीक है ना। यही है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इनसाइड टेबल, ये जो मैंने एक नोटपैड में लिखाया है। So this one is what? Formatting of text inside the tables. यह topic था, तो ये मैं बता दिया। और एक important point है alignment, alignment भी आप लोगों को जान लेना चाहिए, तो ये मैं बता दे रहा हूँ। Suppose यहाँ पे जो सेवन लिखा हुआ ये हमारा सेल है, ठीक है ना, सेलेक्टेड सेल ये है और ये पैराग्राफ ग्रुप जो है ना होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप है। अब ये अलाइनमेंट होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाइड है। और अब देखिए क्या होता है, टोटल फोर टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट होता है। तो अलाइनमेंट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो भी टेक्स्ट लिखिएगा ना वो लेफ्ट सेल के में लेफ्ट ही साइड रहता है, तो ये लेफ्ट क्लिक है और ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट ही होता है। अगर मुझे सेंटर करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए सेंटर में चला गया। अगर इसको यहाँ पे इस साइड करना है, राइट में इधर करना है तो सेलेक्टेड ऑलरेडी है ये, और इस पर क्लिक करेंगे तो राइट में चला गया। अब देखिए ये राइट में है और ये लेफ्ट में है, ठीक है, इसको सेलेक्ट करें और हमको इसको भी राइट में करना है तो यहाँ पे गए और ये राइट पे क्लिक कर दिए, इसको भी राइट करना है तो सेलेक्ट किए और राइट पे क्लिक कर दिए, इसको भी सेलेक्ट किए और राइट में करना है तो राइट पे क्लिक कर दिए। अब मान लीजिए हमको सारे के सारे को सेंटर में करना, सारे को सेलेक्ट कर लिए
और सेंटर पर क्लिक कर दिए तो सेंटर में हो गया। अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट विद इन द सेल्स इज आइदर वी कैन सेलेक्ट इट एज अ लेफ्ट अलाइनमेंट और सेंटर अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट, और हमको अगर सारे के सारे लेफ्ट अलाइनमेंट करना है तो अलाइनमेंट लेफ्ट कर दिए, ठीक है। अब ये जस्टिफाई मतलब ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है, इसलिए लास्ट जस्टिफाइड है, ये हम लोग ज्यादा नहीं यूज करते हैं, बेसिकली यही एक दो तीन लेफ्ट सेंटर लेफ्ट सेंटर और राइट। अब हमको अगर मान लीजिए टेबल के अंदर टोटली टेबल के अंदर राइट अलाइनमेंट चाहिए, सेलेक्ट किया टेबल को और सेंटर अलाइनमेंट करना तो सेंटर कर दिए, राइट करना है तो राइट कर दिए, लेफ्ट तो लेफ्ट और जस्टिफाइड तो जस्टिफाइड, ठीक है। तो ये अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमको इसको सेंटर में करना है तो सेंटर कर दिए, ये भी एडमिशन नंबर वाले को भी सेंटर में करना है तो सेंटर में कर दिए, ठीक है, और बाद बाकी ये हम है फर्स्ट नेम और नेम को राइट अलाइनमेंट कर दिया तो राइट अलाइनमेंट हो गया। सो दिस इज, अब मान लीजिए इस नेम वाले को सेंटर में करना है सेंटर में कर दिए, फादर्स नेम को राइट में करना है तो राइट में कर दिए, यहाँ से क्लास को मिड सेंटर में करना है तो सेंटर पर क्लिक कर दिए, यहाँ पे अलाइनमेंट, इसको एडमिशन नंबर को सेंटर में करना है तो सेंटर पर क्लिक कर दिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द अलाइनमेंट, ये अलाइनमेंट हो गया। सो फॉर्मेटिंग टेबल्स में जो फर्स्ट टॉपिक था फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट इनसाइड द टेबल्स, ऑलमोस्ट दिस फर्स्ट फर्स्ट वन आई हैव कवर्ड। नाउ द नेक्स्ट वन इज हाउ कैन वी अप्लाई बॉर्डर्स, नाउ सेकंड टॉपिक इज अप्लाइंग बॉर्डर्स, सेकंड टॉपिक इज हाउ कैन वी अप्लाई बॉर्डर्स, अप्लाइंग बॉर्डर्स, तो बॉर्डर कैसे अप्लाई करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज अप्लाइंग बॉर्डर्स। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अप्लाइंग बॉर्डर्स, सो प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे हाउ कैन वी अप्लाई द बॉर्डर्स। नाउ सी हियर, सो दिस वन इज वन टेबल, बॉर्डर जो है हम लोग सेल लेवल पे भी लगा सकते हैं और एंटायर टेबल पे भी लगा सकते हैं, तो पहले हम बॉर्डर जो है सेल लेवल पे दिखाएंगे उसके बाद हम टेबल लेवल पे बताएंगे। तो मान लीजिए ये सेल है, अब इसमें हमको बॉर्डर लगाना है तो इस सेल को सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, इस सेल को सेलेक्ट कर लिए और डिजाइन टैब पे क्लिक करेंगे, डिजाइन टैब पे क्लिक करेंगे, बॉर्डर हम अप्लाई करना है तो बॉर्डर ये दिख रहा है ना, बॉर्डर पे यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे, क्लिक किए, अब यहाँ पे बॉर्डर एंड साइडिंग ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे पास ये बॉर्डर का स्टाइल है, बॉर्डर का सेटिंग है, मतलब हमको बॉर्डर जो है इस सेल्स में किस टाइप का चाहिए, चारों तरफ से चाहिए बॉक्स का की तरह, तो ये चारों तरफ से टॉप बॉटम लेफ्ट राइट इस तरह से चाहिए तो इसको सेलेक्ट करेंगे, इस तरह से मतलब सिर्फ तीन ही साइड साइडों की तरफ दिखना चाहिए, ये 3D में दिखना चाहिए अगर आप इस तरह से चाहते हैं, तो जो भी आप सेटिंग करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए। सपोज मैं सेटिंग में बॉक्स की तरह अप्लाई किया, अब स्टाइल मतलब किस तरह का आप लेना चाहते हैं, स्टाइल आपका जो बॉर्डर आएगा डॉटेड जो भी, बहुत सारा स्टाइल यहाँ पे दिया है तो जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, सपोज मैं ये डबल जिगजैग लिया, ठीक है, कलर मैं ले रहा हूं सपोज कलर भी अप्लाई कर सकते हैं ग्रीन कलर। अब देखिए जो हमारे पास बॉर्डर का विड्थ जो है यहाँ पे एक ही है, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए बॉर्डर का विड्थ बहुत भी हो सकता है, अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं स्टाइल में तो बॉर्डर का विड्थ देखिए बहुत सारा आ रहा है ना, बहुत सारा, लेकिन हम स्टाइल अभी क्या सेलेक्ट किए थे ये वाला, ठीक है ना, इसलिए विड्थ यहाँ पे एक ही दिखा रहा था, ऑटोमेटिक आता है, ठीक है ना, तो हम विड्थ स्टाइल ये सेलेक्ट किए उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास विड्थ ऑटोमेटिक रहेगा, जो सेलेक्ट करना होगा विड्थ कर लेंगे, इस केस में एक ही विड्थ है तो ये वन होगा, ओके किए अप्लाई। सी देखिए ये हमारे पास जो सेल था उसका बॉर्डर अप्लाई हो गया, इस सेल के लिए बॉर्डर अप्लाई हो गया। अब सो हाउ कैन वी अप्लाई द बॉर्डर मैंने बता दिया ऑन द सेल लेवल, ये एक सेल पे हुआ, अगर मुझे टोटल टेबल पे ही लगाना है तो सी हियर सेलेक्ट द टेबल, टेबल को सेलेक्ट किए डिजाइन टैब में जाएंगे, जाने के बाद बॉर्डर पे क्लिक किए, बॉर्डर और साइडिंग में गए, सेम सपोज मैं ये बॉर्डर का जो सेटिंग है मैं इस तरह से चाहता हूँ, ठीक है ना, इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद स्टाइल सेलेक्ट किया, जो भी स्टाइल आपको पसंद है उसको सेलेक्ट कर दिए, सपोज मैं कुछ इस टाइप का चाहता हूं, कौन सा डॉटेड ये वाला, इसको सेलेक्ट किए, अब हमको कलर चाहिए किस टाइप का, जो भी चाहिए वो सेलेक्ट किए, सपोज इस तरह का कलर चाहिए, कलर अप्लाई किया, विड्थ देखिए
लॉट ऑफ विड्थ आ रहा है, विड्थ तो हम मैंने विड्थ ले लिया इसको 2.25 पॉइंट, ठीक है, ओके पे अप्लाई किया, ये पूरा टेबल लेवल पे अप्लाई हो गया, ये बॉर्डर क्या हुआ पूरे टेबल लेवल पे अप्लाई हुआ, पूरे टेबल के लिए, पूरा टेबल मतलब हर सेल्स के लिए अप्लाई हो गया। सो दिस इज हाउ वी कैन अप्लाई द बॉर्डर्स इन अ टेबल, इन अ टेबल और विद इन अ सेल्स ऑफ अ टेबल ऑल्सो। सो द सेकेंड टॉपिक इज हाउ कैन वी अप्लाई बॉर्डर्स इज ऑल्सो ओवर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ कैन वी अप्लाई शेडिंग, हाउ कैन वी अप्लाई शेडिंग, अप्लाइंग शेडिंग। सो ये भी प्रैक्टिकली अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। Now see here, so how we can apply the shading? Shading means what? Background, background color मैं apply करना चाहता हूँ किसके लिए? Table के लिए या किसके लिए? Sales के लिए। तो हम लोग कैसे apply करेंगे? तो पहले हम लोग sales level पर देख लेते हैं। So suppose I have selected this cell, इस cell को select किया, design टैब में जाऊँगा, design टैब में जाने के बाद see here shading यहाँ पर options है, इस पर क्लिक किया, जो भी कलर आपको चाहिए सेल्स के लिए वो शेडिंग अप्लाई कर दिया, वो कलर अप्लाई गया। सो ये क्या हुआ सेल लेवल पे, इस सेल को सेलेक्ट किए और इस सेल के लिए शेडिंग लगाना है, मतलब क्या बैकग्राउंड कलर फॉर द सेल, सेल के लिए बैकग्राउंड। डिजाइन टाइम में गए, शेडिंग पे क्लिक किए और जो कलर आपको पसंद है ये कलर अप्लाई कर दिए। मान लीजिए इसके लिए हमको कलर अप्लाई करना है, इस कलर सेल को सेलेक्ट किए, डिजाइन टाइम में गए, शेडिंग में गए और रेड कलर करना है तो रेड हो गया। So this is what shading on the cell level। और column level पे shading लगाना है, table level पे shading लगाना है तो कैसे करेंगे? पूरे table को select कर लिए, यहाँ पर design टैब में गए, shading में गए and then जो भी color select करना है select कर लीजिए अपने मन से, जो आपको बेहतर लगे, ठीक है। So suppose I have पूरा का पूरा इस color का apply कर दिया, तो ये हो गया shading पूरा red, तो red येलो तो येलो इस तरह से। सो ये हमारा हो गया शेडिंग, शेडिंग ऑन द सेल और ऑन द टेबल। सो थर्ड टॉपिक आल्सो आई हैव कवर्ड। नाउ द लास्ट वन इज हाउ कैन वी अप्लाई टेबल स्टाइल। सो लास्ट टॉपिक इज टेबल स्टाइल, अप्लाइंग टेबल स्टाइल। सो दिस वन इज, अभी तक मैंने क्या बताया, अभी तक मैंने बताया फर्स्ट वन इज फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट इनसाइड द टेबल, सेकेंड में अप्लाइंग बॉर्डर्स, थर्ड वन ही अप्लाइंग शैडो। तो ये मैं ऑटो खुद अप्लाई कर रहा था, और फोर्थ क्या है कि प्री डिफाइंड, मतलब ऑलरेडी हमारे पास ये तीनों का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, उसको टेबल पे अप्लाई करना है तो सिर्फ सेलेक्ट करना है, ऑलरेडी हमारे पास शैडिंग बॉर्डर और टेक्स्ट का अलाइनमेंट का टेबल लेवल पे दिया हुआ है, सिर्फ टेबल का वो स्टाइल सेलेक्ट करना है। So how we can apply the table style? See, now हमारे पास suppose, see here, this one is one table. Now ये table level पर होता है, table styling is on table level. ये जो है ना cell level पे नहीं है, ये table, entire table के लिए, तो ये table select कर लिए, ठीक है ना, table को select कर लिए। अब क्या करेंगे, design tab में जाएंगे, design tab में ये देखिए tables group है, tables group में यहाँ पे मोर ऑप्शन है, मोर मोर यहाँ पे दिख रहा है ना, मोर पे क्लिक करेंगे और देखिए ऑलरेडी हमारे पास टेबल का डिजाइन बना हुआ, डिफरेंट डिजाइन बना हुआ, जो आप सेलेक्ट कीजिएगा वैसा टेबल दिखेगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें शेडिंग है, शेडिंग क्या बैकग्राउंड कलर ऑफ द सेल, ये शेडिंग है, ऑलरेडी ये बना हुआ वो डिजाइन हम सेलेक्ट कर लिए, ठीक है ना, जो आपको पसंद है वो सेलेक्ट कीजिए। टेबल यहाँ पर मोर पे गए, हमको मान लीजिए इस कलर का चाहिए, हमको पसंद है तो इसको सेलेक्ट कर लिए, ये पसंद है टेबल के लिए स्टाइल ये सेलेक्ट किया, चाहिए। सो ये ऑलरेडी देखिए शेडिंग यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है बॉर्डर, तो ये ऑलरेडी बना हुआ है, सिर्फ आपको सेलेक्ट करना है। टेबल पे गए, डिजाइन टाइप पे गए और मोर ऑप्शन है, ये मोर ऑप्शन पे हमारे पास बहुत सारा दिया हुआ ऑलरेडी टेबल का स्टाइल, जो आपको पसंद है उसको सेलेक्ट कीजिए। सो जैसे मुझे ये पसंद आया इसको सेलेक्ट कर दिया, हो गया। तो इसमें देखिए क्या है, ऑलरेडी बॉर्डर जो फर्स्ट में बताया था अप्लाइंग बॉर्डर, तो इसमें एक ऑलरेडी बॉर्डर बना हुआ है, ये देखिए डॉटेड वाला, और दूसरा क्या है शेडिंग, शेडिंग मतलब क्या बैकग्राउंड कलर, देखिए बैकग्राउंड कलर भी है तो शेडिंग भी है, बॉर्डर भी है और फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इनसाइड द टेबल्स, और फॉर्मेटिंग भी है कैसे, ये अलाइनमेंट देखिए
जो भी हमारा नेम फर्स्ट नेम है सब क्या अलाइनमेंट है, मिडिल में है, ठीक है ना, ये मिडिल में है। तो ये हमारे पास क्या तीनों का कॉम्बिनेशन है, और ये हमको कुछ करना नहीं पड़ा इसके लिए, क्या किया सिर्फ डायरेक्ट डिजाइन टैब में जाकर ये मोर टेबल स्टाइल्स ग्रुप के अंदर मोर ऑप्शन पे क्लिक किया, और जो भी हमको टेबल का स्टाइल जिस जो भी पसंद है वो सेलेक्ट किया और हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टेबल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग ऑफ टेबल्स। सो इन दिस वे द चैप्टर इज जो है हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।